जय श्री राम आप सभी को। आज मैं आपको बताना चाहूँगी कि काफ़ी जनों की ये परेशानी रहती है कि उनको ये नहीं पता चलता कि सपनों में अगर उनको हनुमान जी के दर्शन दिखाई दे रहे हैं, या सपनों में जैसे वो कहीं मंदिर जाते दिखाई दे रहे हैं, या फिर जैसे हनुमान जी की मूर्तियाँ दिखाई दे रही हैं, बड़े बड़ी मूर्तियाँ दिखाई दे रही हैं, बंदर दिखाई दे रहे हैं, तो वो ये समझ नहीं पाते कि इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि हम जिस भी भगवान देवी देवता की पूजा करते हैं वो हमें संकेत देते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, घबराओ मत। और दूसरी बात कि हम तुम्हारी पूजा पाठ को स्वीकार कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि जैसे भगवान तो हमें जैसे आके तो खुद आके तो बताएंगे तो नहीं कि मैं तेरी पूजा को स्वीकार कर रहा हूँ, हाँ तू सही से पूजा कर रहा है, तू सही लाइन में जा रहा है, तो एक ही माध्यम होता है। और हम जैसे मान लो हम हनुमान जी को देख भी नहीं सकते, क्योंकि जब उनके दूत महाराज किसी के शरीर में आते हैं तो आपको पता है कितने पावरफुल से आते हैं। जब उनके दूत महाराज उनके वीर इतने पावरफुल से आते हैं तो जब हनुमान जी आ गए तो हम पूरा शरीर अपना फट जाएगा, ठीक है। तो बस हमारी जो आत्माएँ वो आत्मा होती है, जब हम रात को सोते हैं तो हनुमान जी हम केवल उन आत्मा से ही हनुमान जी को देख सकते हैं। हमारी आत्मा ही एक ऐसी है जो परलोक कहीं भी जा सकती है, स्वर्ग भी जा सकती है, पाताल भी जा सकती है, मतलब हर जगह हमारी आत्मा जा सकती है, ठीक है। तो जो हम पूजा पाठ करते हैं जिससे हमारी आत्मा जो होती है शांत होती है, पवित्र हो जाती है, जिससे जो हनुमान जी से जैसे संपर्क बन जाता है और वो हनुमान जी के दर्शन करती है, और फिर उससे क्या होता है कि हमें संकेत मिल जाता है कि हाँ हम जो पूजा पाठ कर रहे हैं वो सही से कर रहे हैं, हनुमान जी हमारी पूजा पाठ को स्वीकार कर रहे हैं और हनुमान जी हमारे साथ हैं, ठीक है। आप जिस भी देवी देवता की पूजा करते हैं वो हमें संकेत देते हैं, ठीक है, और वो आप पर मेहरबान है। कोई ना कोई ऐसा कार्य आपके जीवन में होने वाला है जिससे आपके जीवन में तरक्की हो, हनुमान जी का आशीर्वाद रहे, तो यही संकेत होते हैं। और अपने पूजा पाठ को छोड़ना मत। अगर आपको संकेत ऐसा मिल रहा है तो भगवान जी आपसे खुश हैं, प्रसन्न हैं, अपनी कृपा दृष्टि बनाए हुए हैं। धीरे धीरे अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए, हनुमान जी से अपना आशीर्वाद प्राप्त करते रहिए। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज।